नमस्कार मित्रांनो, मी आहे मुंबईचा मुलगा राहुल भोज आणि तुम्ही बघता तुमचा फेवरेट चॅनल टेली खजाना। चॅनल का लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करा। बिग बॉस मराठी सीजन 5 में बिग बॉस ऐसे ऐसे टास्क लेकर आ रहे हैं जो कि अगर आप लोग देखेंगे तो कंटेस्टेंट्स की पोल खोल रहे हैं। पिछले हफ्ते लेकर आया था वो मर्डर वाला टास्क, बच्चे लेकर आए थे, इन्होंने बच्चे के हाथ पैर तोड़ ताड़ के ह्यूमैनिटी और प्लस इनका फेक जो चेहरा है उसको एक्सपोज कर दिया कि ये खेल को लेकर किसी भी हद तक जा सकते हैं। अच्छा हुआ यहाँ पर भगवान मतलब कि कोई रियल बच्चा नहीं था, वरना तो ये तो उसके साथ भी कहीं ना कहीं वैसे ही करते। वो इंसानियत का टास्क था और ये वाला अपनी ज़ुबान का टास्क था, अपने स्टैंड का टास्क था कि सामने वाले को आप कितना कितना मतलब आप उस चीज़ को लेकर गिर सकते हो। जो गलत है उसको गलत ना बोल के आप उसको सही बोल रहे हो, जो सही है उसको सही ना बोल के आप उसको गलत बोल रहे हो। ये था बेसिकली दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस पूरे टास्क का एक एक कह सकते ना एक मॉरल यही था। लेकिन इन लोगों ने स्पेशली, मैं टीम ए की बात करना चाहता हूँ, टीम ए फिजिकल टास्क आए तो नंबर वन, लेकिन जब मेंटल खेलने की बात आएगी जीरो, एकदम शून्य। और यहाँ पर मैं टीम बी को अप्रिशिएट करना चाहूँगा क्योंकि टीम बी ने वो कर दिखाया है, उन्होंने रियलिटी सबकी चेक कर दी है, उन्होंने सबके पोल मतलब कि ये कुछ इनका कोई स्टैंड नहीं है, इनका कोई किसी तरीके का जज्बा नहीं है, इनका कोई किसी तरीके की एक रीढ़ की हड्डी नहीं है कि ये लोग सही को सही और गलत को गलत कहें। कुछ लोग इस पर कहेंगे कि हाँ टास्क खेलना था तो इतना तो चलता ही है, बट ये जनता सब देखती है दोस्तों। बिग बॉस मराठी को देख रही है महाराष्ट्र की जनता, और महाराष्ट्र की जनता को जितना मैं जानता हूँ, मैंने हमेशा यही कहा है कि वो इन तरीके के दुगलेपन को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती है। पूरे एपिसोड की अगर बात करें तो ऐसा लग रहा है जैसे निक्की ने ग्रुप बनाया थे और निक्की ही अब उन ग्रुप को डिसॉल्व करने में लगी हुई है। बात करें अगर जाह्नवी की रीढ़ की हड्डी नहीं है, कब आखिरकार वो निक्की को बोलेगी कि बहन तू गलत जा रही है। निक्की और अरबाज के रिलेशनशिप या फिर सो कॉल्ड दोस्ती या सो कॉल्ड इनकी इंट्रैक्शन को देखकर मुझे क्यों यहाँ पर बिग बॉस सीजन 14 के कंटेस्टेंट, दो कंटेस्टेंट्स की याद आ गई, इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो चलिए आज के रिव्यू की शुरुआत करते हैं। फेसबुक पे अगर आपने नहीं वीडियो को अभी तक लाइक किया है, पेज को लाइक किया है, तो ज़रूर कर लेना। अब दोस्तों सबसे पहले पैडी जी को बुलाया जाता है, कल के एपिसोड के बाद पैडी को बुलाया जाता है, जहाँ पे उससे बिग बॉस कहते हैं कि आपका खेल नहीं है और सब आप जो है दूसरों के खेल पे डिपेंड हो और आप आगे नहीं कर रहे हो। अब जैसा कि हम सबको पता है कि निक्की ने ये बात मतलब उसको साम दाम दंड भेद पे अपने पूरे एपिसोड को चलाना है, ये बात हम सबको पता है, पूरी टीम को चलाना है, झूठ को सच बनाना है, सच को झूठ बनाना है। पैडी की अगर बात करें दोस्तों तो ये लोग ऐसे कहते रहते हैं कि पैडी का कोई गेम नहीं, पैडी ये पैडी वो फलाना ढिमकाना, लेकिन यहाँ पर जब टीम बी ने इस बात को, भले ही टीम बी जो है टीम ए के मतलब कोई भी नहीं जीता टेक्निकली, लेकिन टीम ए की असलियत एक्सपोज कर दी इन लोगों ने, लिटरली एक्सपोज कर दी। और कुछ लोग कहेंगे कि टीम बी तो वही कर रही थी, टीम बी कर रही थी, लेकिन अगेन मैं कहना चाहूँगा कई मामलों में ऐसा था स्टार्टिंग में, जब तक निक्की की ये परिभाषा नहीं सामने आई थी, टीम बी जो है वो चीज़ें लेकर कर रही थी और बहुत ही सॉर्टेड होकर कर रही थी, लेकिन यहाँ पर जैसे को तैसा वाला हिसाब किताब इन लोगों ने अपनाया। तो यहाँ पर निक्की जो है, निक्की और जाह्नवी स्पेशली, ये लोग एक अलग एंगल घुमा रहे हैं आर्या और अरबाज का। अरबाज अपने कैप्टेंसी की ड्यूटी के तहत सबके साथ पोलाइट है, सबके साथ चीज़ें कर रहा है, लेकिन अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अरबाज ने बी टीम के साथ इस बार झगड़ा नहीं किया। जब तक वो कैप्टेंसी बना हुआ है उसने बी टीम के साथ कुछ उनको चू तक नहीं बोली है, और अपनी ही टीम के साथ झगड़ा किया है, निक्की के साथ इतना बड़ा झगड़ा कर दिया आप अगर देखेंगे तो। अब देखना अगले हफ्ते अरबाज कैप्टन नहीं रहेगा, वो कैसे बी टीम के साथ हंगामा करता है, क्योंकि उसको काम कराना है। और ये बात रितेश देशमुख साहब को बोलनी चाहिए कि भाई तुम वैसे नहीं थे पूरे सीजन में, मतलब पूरे सीजन से लेकर अभी जो तुम दिखे हो एकदम डिफरेंट, वो नहीं थे तुम। कहाँ गया वो अरबाज जो अभिजीत सावंत, क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पे निक्की और अरबाज के बीच में जो झगड़ा हुआ है उसमें अभिजीत सावंत का इन्वॉल्वमेंट था, और अगर ये कैप्टन नहीं होता मैं लिख कर दे रहा हूँ ये अभिजीत सावंत से लड़ने चला जाता अरबाज, राइट।
लेकिन वो नहीं गया क्योंकि पता है उसको कि अगर मैं बी सेक्शन में जाऊंगा, टीम बी में जाऊंगा, तो भाई इनका पूरा ग्रुप मेरे को बॉयकॉट करेगा, ड्यूटीज की प्रॉब्लम आएगी, और मेरे ग्रुप में सो कॉल्ड लोग हैं जो कि फॉलोवर हैं निक्की के, निक्की मना करेगी तो सब मना करेंगे। तो ये बात होती है। तो आर्या और अरबाज के बीच में कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की ख्याली पुलाव है। जैसे कि अरबाज की ख्याली पुलाव है कि निक्की अभिजीत को ज़्यादा पैम्पर करती है उसके कंपेयर में। और इन दोनों का रिलेशनशिप मैं अगेन बता दूँ, हेट और लव काइंड ऑफ रिलेशनशिप है, जो कि अगर आपको पवित्र पुनिया याद होगी और इजाज़ खान याद होंगे, इनके बीच भी ऐसा ही लव एंड हेट रिलेशनशिप था बहुत ज़्यादा। अभी तक इनका अच्छा चल रहा है, चलिए अच्छी बात है, लेकिन इनका लव एंड हेट रिलेशनशिप था जो कि देखने को मिला दोस्तों। तो ऐसे में अब जो है इसके बाद टीम बी में अगर बात करें तो फिर उसके बाद जानवी को बुलाया जाता है। जानवी को बोला जाता है कि शैडो ऑफ निक्की। भाई ये तो हम बोल बोल के थक गए कि एक्चुअल में जानवी शैडो ऑफ निक्की है। वो कहते हैं नहीं मैं नहीं हूँ, तो सामने वाली टीम कहते हैं कि यस एकदम सही बोला, क्योंकि टीम बी ने सही बोला कि वो शैडो ही है निक्की की। जानवी इतना ज्यादा डरती है निक्की से, उसके मुंह पर कभी नहीं बोलती है। याद है आपको, जानवी ने स्टार्टिंग में बात बोलती अपने फायदे के लिए निक्की किसी भी हद तक जा सकती है। आज दिख गया निक्की को, जब लगा कि कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, मेरी इमेज खराब कर रही है, हो रही है, निक्की बोलती मेरा पर्सनल इंडिविजुअल ओपिनियन है, ग्रुप का नहीं है, ग्रुप फिर उसके बाद ग्रुप अलग बोलता है। फिर उसके बाद जानवी तब जाके वर्षा ताई के उसमें रेड वाले बटन को दबाती है। तो निक्की की हिपोक्रेसी जो है, ये जो आर्या सॉरी जानवी एक्सपोज करने की बात कर रही थी वो आज एक्सपोज हुई। लेकिन जानवी की इतना भी बात को, मतलब उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है कि वो इस बात को निक्की के सामने कन्फ्रंट करके बोले कि बहन तू गलत जा रही है। आज बोलती कि मैं उसके साथ नहीं हूँ, अरबाज को भी बोलता है कि मैं उसके साथ नहीं, वैभव चव्हाण भी बोलता है। मैं सोच रहा हूँ वैभव चव्हाण, हम इतना, मैं आपको वैभव और अरबाज के बारे में एक बात बताऊँ, ये दोनों इतने स्ट्रॉन्ग प्लेयर है ना, ये पूरे बिग बॉस को अपने शोल्डर पे उठा सकते हैं, जिस तरीके आसिम और सिद्धार्थ ने उठाया था। एक तरफ सिद्धार्थ और आसिम थे और एक तरफ रश्मि और ये लोग सब एक साथ झुंड बना के रहते थे, अगर आपको याद हो। मतलब नॉट झुंड बना के, मतलब एक तरफ रश्मि हो गई और बाकी सारे शहनाज वहनाज इनका अलग चलता रहता था, लेकिन जब पूरा खेल उठाने की बात आई थी तब सिद्धार्थ वर्सेस आसिम में हुआ था। वैभव वर्सेस अरबाज हो सकता था अगर वैभव अपने आप को वैभव अपने आप को ऐसा नहीं करता। अरबाज के सामने उसने अपने आप को ऐसा कर दिया जिसके कारण जो है अब वैभव की पर्सनैलिटी नहीं दिखती है, बिल्कुल भी नहीं दिखती है। कभी उसको गद्दार बोला जाता है, कभी उसको बेवकूफ बोला जाता है, तो वैभव की पर्सनैलिटी नहीं है। वैभव के पास इतने अच्छे मौके आए थे बिग बॉस में, इतने ना उसको शाइन करने के मौके दिए थे, जहां पर वैभव वर्सेस अरबाज एक तरफ होता रहता और पूरा खेल इनकी दुश्मनी में आगे बढ़ जाता। ये लड़कियां तो दिखती नहीं, निक्की पिक्की ये सब कोई नहीं दिखता, ना पैडी दादा के कुछ दिखता, ना घनश्याम की चालाकियां दिखती, कुछ नहीं दिखता, सिर्फ वैभव वर्सेस अरबाज। इनकी भी दोस्ती नहीं है। एक टास्क आएगा, आज बोल रहे थे टीम बी वाले, ये अपने दादा बोल रहे थे, पैडी दादा, एक टास्क दो इन दोनों के बीच में दुश्मनी शुरू हो जाएगी, राइट। लेकिन वैभव अगेन जो है दुश्मनी नहीं करेगा, क्योंकि वैभव को शाइन नहीं करना है, और वैभव ऐसे ही खेलता रहा तो इरिना वैभव ये लोग सबसे पहले जाने वाले हैं, इस बात को आप लिख लीजिए। फिर उसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो इरिना का आता है, ओपिनियन नहीं देती है, ओपिनियन की बारी आती है तो किनारे बैठ जाती है। बिल्कुल सही है, मुझे इरिना का कोई ओपिनियन नहीं दिखता, और अगर कोई ओपिनियन दे भी रहा होता है तो उसको चुप कराती है, जैसे कि वैभव वो ओपिनियन दे रहा था बेचारे, लेकिन उसको चुप करा दिया, राइट। फिर उसके बाद निक्की की बारी आती है कि निक्की दिल से सॉरी बोलती है या नहीं बोलती है, जिसपे अभिजीत सावंत बहुत चालाकी से गेम खेलते हैं अगेन, और वो ना बोलते हैं। उसके बाद निक्की और निक्की और अभिजीत सावंत, निक्की को भी पता है अभिजीत सावंत बहुत सॉर्टेड इंसान है, भले ही चीची 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 नहीं करते वो, लेकिन बहुत सॉर्टेड इंसान है, और निक्की को कहीं ना कहीं वो पसंद भी है। एज अ फ्रेंड मैं बात कर रहा हूँ, नॉट एज अ यू नो जैसे अरबाज के साथ उसका ज़्यादा ही है, वैसा नहीं मैं बात कर रहा हूँ। तो निक्की को ये बात पता है, और इसी बात का फ़ायदा अरबाज उठा रहा है। मैं आपको अगेन कहना चाहूँगा, इतना भी क्या हर्ट हो जाना कि इस तरीके से तोड़म फाड़ी करना, बताओ आप मुझे बता दो। अरबाज चार चार का मतलब एक आपकी गर्लफ्रेंड है ऑलरेडी, स्प्लिट्सविला में आपने वो प्यार का गेम खेला, यहाँ पर भी आप प्यार का ही गेम लव एंड हेट रिलेशनशिप निक्की के साथ चालू कर रहे हैं, तो ये क्या है? अगेन
निकी भी उसका मजा ले रही है, निकी भी जो है सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रही है, ये बात भी हम सबको पता है। शो के बाद कौन कहाँ ये बात हम सब जानते हैं। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों तो वर्षा ताई के मामले में निकी को पता चल जाता है कि भाई अब तो जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वीकेंड पर मुझे पक्का पता है वीकेंड पर इस पर क्लास लगेगी ही लगेगी, और मैं चाहता हूँ लगे। रितेश देशमुख साहब इस पर बात करें कि भाई तुम जो है गलत कर रही थी, तुमने जो गेम खेला, क्योंकि निक्की ने इस तरीके से हर चीज़ को झुटलाना शुरू कर दिया, जो वो बोल रहे हैं उसके अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया। इसी चीज़ को लेकर जो है यहाँ पर टीम बी ने भी फैसला किया, लेकिन टीम बी ने टीम ए को एक्सपोज किया है, उसकी हिपोक्रेसी को एक्सपोज किया है। कल को वर्षा ताई इनको स्ट्रांग नहीं लगती थी, आज इनको अचानक से स्ट्रांग लगने लग गई है। इनको पैडी अंकिता की मैं बात करना चाहता हूँ। अंकिता इतनी सॉर्टेड, इतनी काम लड़की, मतलब मैंने आज तक नहीं देखी। मुझे अंकिता का परफॉर्मेंस आज बहुत अच्छा लगा लिटरली, और उसकी मालवन कितनी ज़्यादा क्यूट है, वो जिस तरीके से डायलेक्ट लेकर बोलती है बहुत अच्छा लगता है। अंकिता की मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि वो है ना इन दोनों लड़कियों की तरह, जाह्नवी की तरह, तो जाह्नवी तो बहुत ही ऐसे, जाह्नवी तो अपने बाल हिलाए ऐसे ऐसे, हाँ तो क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, हाँ मैं करूँगी ऐसे करके बोलती है, और निकी तू जा करके करती है राइट। लेकिन अंकिता सबसे ज़्यादा सॉर्टेड है, दिमाग लगा रही है। अंकिता को है ना शाइन करने के लिए एक दो मौके चाहिए, उसको जो है निक्की कुछ जुल्म कर दे उसके ऊपर, अरबाज कुछ जुल्म कर दे, या टीम भी जाह्नवी कुछ जुल्म कर दे, और उसके आंसू निकल जाए अंकिता के। मैं लिख कर कह रहा हूँ कि उस समय पूरा का पूरा सगड़ा महाराष्ट्र एक होकर अंकिता को, मालवान की लड़की को सपोर्ट करेगा, और वो ट्रॉफी जीत सकती है। बस वो मौका आना चाहिए, अगर बिग बॉस ने या फिर अंकिता ने उस चीज़ को पकड़ लिया ना, कसम से अंकिता बहुत आगे जाएगी, बहुत ट्रॉफी भी उठा सकती है वो। तो ये अंकिता में है, उसमें उसमें दिखती है वो चीज़ें, बट अगेन मैं कहना चाहूँगा कि पता नहीं वो क्या करेंगी। उसको जो है अभिजीत की शैडो से बाहर निकलना चाहिए, उसको जो है इस ग्रुप को है ना लीड करना चाहिए, तब जाके होगा। इधर निक्की लीड करती है राइट, इधर पैडी दादा, कभी डीपी दादा, कभी अभिजीत, ऐसे करके इधर इधर ये लीड करते हैं। अंकिता को लीड करना चाहिए, तब देखना अंकिता की क्या पर्सनैलिटी निकल कर आएगी। बहुत मज़ेदार, बहुत शानदार। और फिर उसके बाद ये लोग टास्क हार जाते हैं, फिर उसके बाद बगावत शुरू हो गए। निक्की ने जो ग्रुप फॉर्म किया है वो ग्रुप ही टूट रहा है। अब निक्की का मूव हो रही है किधर, टीम बी की तरफ, और अभिजीत सावंत के साथ वो दोस्ती कर रही है। फिर उसके साथ साथ मैं अगेन कहना चाहूँगा वो आगे वर्षा ताई को भी दोस्त बना लेगी, और धीरे धीरे करके निक्की की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। तो दोस्तों आज का रिव्यू ये है, आपको क्या है कहना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके और मेरे विचार कितने मिलते हैं इस बारे में मैं जानना चाहता हूँ। आणि हसत रहा, मजेत रहा, टेंशन देऊ नका, आणि टेंशन घेऊ नका। जय महाराष्ट्र।